फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टॉपर्स अकेडमी। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके लिए लेटेस्ट एक गुड न्यूज़ है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो बच्चे वेट कर रहे थे GDS के, यहाँ पर जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कब यहाँ पर आएंगे, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि 25 से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 से जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर 10th हैं, ठीक है। अगर आप 10th क्लियर हैं तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। पूरी वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को अंत तक देखना तभी आपको यहाँ पर समझ आएगी किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर बोला गया है कि ग्रामीण डाक सेवक GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल मई 2023, नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। डेट 20 से जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन है वो आज से यहाँ पर ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, यानी कि 22 से, और 11/6 को जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है। एडिट करेक्शन आपको दिया जाएगा 12 से 14 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी है, BPM और ABPM। BPM की सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं और ABPM की भी यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं। BPM यहाँ पर हो जाता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, और ABPM हो जाता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है। इसकी सैलरी आप यहां पर देख सकते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर की यहां पर जो है पूरी डिटेल में आपको दिया गया है, ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको ये PDF अच्छे से रीड करने को मिलेगा। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए भी आप यहां पर देख सकते हैं क्या चीज़ इन्होंने यहां पर बताई गई है पूरी डिटेल में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। एज की बात की जाए तो 18 से मिनिमम जो है, मिनिमम एज आपकी 18 मांगी है, और मैक्सिमम जो है 40 यहां पर आपको मांगी गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगी SC ST OBC को, EWS को, PWBD को। PWBD प्लस OBC हैं, अगर PWBD प्लस SC ST हैं तो इनको एज रिलैक्सेशन देख लीजिएगा यहाँ पर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिएगा कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आप 10th यहाँ पर क्लियर हो चुके हो, 10th में अगर आपका मैथ या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। अगर यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई किस तरह से करना है, आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है 8082874110 जो है, इस पर आपने हमें व्हाट्सअप करना है, हम आपका फॉर्म जो है यहाँ पर फिलअप करके दे देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि अदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग नॉलेज होनी चाहिए जो कि आम बच्चों को होती ही है, ठीक है। एडिक्यूट मीन्स ऑफ लिवलीहुड की भी यहां पर आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर रिजर्वेशन बताई गई थी इन्होंने, और यहां पर जो है PWBD है उनके लिए भी यहां पर डिसेबिलिटी का कुछ इन्होंने यहां पर बताया गया है, ठीक है। जो बच्चे यहां पर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से अप्लाई करना है यहां पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन टू बी सबमिट ऑनलाइन करनी है, ये इनकी वेबसाइट रही है, और एप्लीकेशन रिसीव्ड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर इन्होंने बोला कि सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरह से रहेगा, ठीक है। ये सिलेक्शन मेरिट लिस्ट वो बताएंगे, इसमें ना आपका एग्ज़ाम होगा, ना ही आपका जो है इसमें जो है आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ओनली आपका यहाँ पर मेरिट बनाएंगे, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनाएंगे जैसे आप क्लियर कर लेते हो, फॉर्म अप्लाई कर लेते हो, उसके बाद जो है मेरिट बनाएंगे। मेरिट के बाद जो है आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो उस टाइम आपके फिर वो करवा देंगे ज्वाइनिंग, ठीक है। ग्रेड पॉइंट भी यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेड पॉइंट किस तरह से इन्होंने मल्टीपल फैक्टर किस तरह से ये बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ जो है ये देख लीजिएगा, पूरा PDF है, काफ़ी लंबा PDF है, 20 पेजेस का PDF है, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको ऑफिशियल साइट भी दे दी है, अदरवाइज़ आप हमारे थ्रू भी यहाँ पर जो है व्हाट्सएप करके हमें जो है 8082874110 पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल करके आपको दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक जानकारी बता देते हैं कि SSC CHSL के फॉर्म यहाँ पर लग रहे हैं, वो भी जो बच्चे कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं उसके फॉर्म यहाँ पर लगा सकते हैं। उसमें क्वालिफिकेशन जो है वो ओनली 12th पास है, 12th पास आपकी होनी चाहिए तो ये फॉर्म एलिजिबल है इस फॉर्म के लिए। और SSB के फॉर्म लग रहे हैं, ठीक है, SSB के फॉर्म लग रहे हैं, जिनकी यहाँ पर 10th भी है वो भी लगा सकते हैं, 12th भी है तो भी यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। ग्रेजुएट वाले भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SSB में कांस्टेबल की पोस्टें निकली हैं, हेड कांस्टेबल की हैं, और फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हैं, काफ़ी सारी पोस्टें हैं 6 नोटिफिकेशन में, अलग अलग तरह से उन्होंने यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। फिलहाल के लिए ये वीडियो में इतना ही था, गुड न्यूज़ है बच्चों के लिए, यहाँ पर देख लीजिएगा कि GDS के जो है फाइनली यहाँ पर गुड न्यूज़ आ चुकी है, जो बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे, ठीक है। स्टूडेंट्स फॉर्म भरना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप ऑफिशियल साइट पर भी जाके इनके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये रियल है या फेक है, ठीक है। बिल्कुल 100% हम जेन्युइन यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं,
तो मेक श्योर कि आप बच्चे जो हैं अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।